Assalamu alaikum dear students, as you know that we are discussing a short story, Dusk. Today, let us proceed, let us take it to its conclusion. आज हम इसको ख़त्म करेंगे, आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे. ये Dusk जो कहानी है ये लिखी है साकी ने. इसका असल नाम मैंने आपको पहले बताया था, HH मनरू है, लेकिन ये पेन ने लिखा था साकी. Dusk सरे शाम को कहते हैं जब सूरज डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है, उसी टाइम को Dusk कहा जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि मैन करेक्टर जो इसमें है, ये उसका नाम है नॉर्मन गॉड्सबर्ग. ये इसका मानना होता है कि जो शाम है, जो सूरज डूबने के बाद का वक्त होता है, जिसको Dusk कहा जाता है, वो उन लोगों का वक्त होता है जो थके हुए, हारे हुए होते हैं ज़िंदगी से, और जो बैठते हैं किसी जगह आराम के लिए, सोचने के लिए. वो चाहते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे. इसी तरह ये एक दिन बैठा था शाम को, ये भी सोचता है खुद कि मैं शायद हारा हुआ, थका हुआ हूँ. तो एक पार्क में बैठा होता है, धुंधलाहट छाई होती है, किसी दूर से सिर्फ इमेजेस नज़र आते हैं, कोई चल रहा है, कौन है ये पता नहीं चलता है. इसके साइड में बैठा होता है एक पहले बूढ़ा आदमी, एक होता है ओल्ड मैन, या जिसको कहते हैं एल्डरली मैन, वो बैठा होता है. ये उसकी तरफ देखता है, एक कहता है ये भी शायद हारा हुआ थका हुआ है. वो आदमी चला जाता है वहाँ से. उसके बाद उसकी जगह लेने के लिए एक यंग मैन आता है, एक जवान आता है. जो जवान होता है वो इस एल्डरली आदमी से अच्छा खासा दिखता है, इसकी इससे इसके इससे बेहतर कपड़े पहने हुए था, वो ढंग रंग ढंग उसका ठीक था. लेकिन गॉड्सबर्ग कहता है ये यंग मैन जो है ये चाहता है कि मुझे नोटिस किया जाए, मेरी तरफ कोई देखे, क्योंकि ये कुछ कहना चाहता था. फिर इनके बीच में गुफ्तगू होती है जो हमने पढ़ी. ये यंग मैन उसको कहता है मैं इस शहर में नया हूँ, अनजाना हूँ, कोई नहीं जानता है मुझे यहाँ पे, और जहाँ मेरा जो मैंने होटल लिया था, जहाँ मुझे रहना था, वो होटल वहाँ पे गिराया गया है. वहाँ पे एक कुछ नया ही बनाया गया है, थिएटर बनाया गया है. अब जो मैंने नया होटल लिया था, जो टैक्सी वाले ने मुझे प्रपोज़ किया था होटल के लिए, उस होटल में मैंने रखी अपना सारा सामान रखा. मैं साबुन लाना भूल गया, मैंने कुछ ही पैसे साथ लिए थे जो मैंने रास्ते में खर्च किए साबुन लाने के लिए और कुछ पीने के लिए. उसके बाद अब मैं भूल गया मैंने किस कौन सा होटल लिया था. अब इस मुल्क में क्या करें, मैं तो अपने मुल्क में किसी को नहीं पूछ सकता हूँ. आप कोई मेरी बात का यकीन करें सिर्फ इतने टाइम के लिए कि काश मुझे कोई कुछ रात को रहने के लिए कहीं जगह मिले, कुछ पैसे मिले, ताकि मैं उन पैसों से अपना रात का गुजारा करूँ, वरना मुझे बाहर ही रात को सोना पड़ेगा, शायद भागा ही सोना पड़ेगा. तो इतने में गॉड्सबर्ग जो है इसकी कहानी पे यकीन करता है थोड़ा सा. अब हमें इसको आगे पढ़ना है. इसके बाद ही थ्रू अ गुड डील ऑफ वार्मथ इनटू द लास्ट रिमार्क एज दो परहैप्स टू इंडिकेट हिज होप दैट गॉड्सबर्ग डिड नॉट फॉल फॉर शॉर्ट ऑफ रिक्विजिट डिसेंसी. इसने अपनी कहानी को, इस यंग मैन ने अपनी कहानी को ऐसे पेश किया कि जो गॉड्सबर्ग है इसको थोड़ा भी डाउट ना रहे इसकी कहानी पे. इसने अपनी कहानी को ऐसा पेश किया. पहले ही हमने इसमें पढ़ा था कि जो ये कहानी है, असल में इसका एक मुद्दा और मकसद ये है, क्या हमें अजनबी पर भरोसा करना चाहिए, और अगर भरोसा करना चाहिए किस हद तक करना चाहिए, हमें किस हद तक जाना चाहिए उनके भरोसे के लिए. तो ये बोलता है इसको मैं, इसने ऐसी कहानी बनाई और ऐसे समझाता है, इसने अपनी तरह से पूरी कोशिश की कि नॉर्मन गॉड्सबर्ग को मेरे ऊपर कोई शक ना रहे, इसने ऐसी कहानी बनाई. अकोर्स सेट गॉड्सबर्ग स्लोली द वीक पॉइंट ऑफ योर स्टोरी इज दैट यू कैंट प्रोड्यूस द सोप. अब गॉड्सबर्ग ने कहा ठीक है आपने तो पूरी कहानी अच्छी से बता दी, बट द वीक पॉइंट ऑफ योर स्टोरी इज दैट यू कैंट प्रोड्यूस द सोप. जो आप कहते हो मैंने साबुन खरीदा है, वो साबुन कहाँ पर है, साबुन दिखाइए मुझे. मुझे यकीन हो जाए कि आप साबुन खरीदने के लिए निकले थे, आपने कुछ पिया चलो ठीक है, लेकिन साबुन तो खरीदा होगा आपने, वो कहाँ है. द यंग मैन सैट फॉरवर्ड हरायडली फेल्ट रैपिडली इन द पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट एंड देन जंप्ड टू हिज फीट आई मस्ट हैव लॉस्ट इट ही मटर्ड एंग्रीली. अब इस जवान को अपनी कहानी को साबित करना है, अगर ये साबुन निकालता है तो कहानी ठीक है, नहीं तो कुछ डाउट रहेगा. ये उठता है, ऐसे झुकता है नीचे और अपने कोट के और जेबों में ढूंढता है कहाँ है ये, और खुद ही अंदर ही अंदर ये एक वो आवाज़ ही निकालता है, मटरिंग करता है वो, तुम छप के अंदर पान पान कथा करा और कहता है शायद मैंने वो सो भी खो दिया है, मैं शायद सो साबिन चढ़ते रो मुझे. द लॉस एन होटल एंड ए केक ऑफ सोप ऑन वन आफ्टरनून सजेस्ट विलफुल केयरलेसनेस. Said Gottsberg. But the young man scarcely waited to hear the end of the remark.
He flitted away down the path, his head held high with an air of somewhat jaded genuineness. हाँ, अब गॉड्सबाई ने कहा एक ही दिन में होटल खोना, होटल का पता खोना, उसके बाद एक साबुन की टिकिया खोना, ये विलफुल केयरलेसनेस है. विलफुल यानी जाना बूझा, जानी बूझी. विलफुल केयरलेसनेस यानी आप इतने बेपरवाह हो, ये दिखाता है कि आप जानबूझ के ये बेपरवाही कर रहे हो. ये ऐसे नहीं हुआ कि अचानक चलो हो गया बेपरवाही या लापरवाही हो गए, आप तो इतने लापरवाही कर रहे हो कि आप विलफुली यानी खुद ही अपनी मर्जी से ये लापरवाही कर रहे हो. इतना नहीं है, अब जो जवान था वो ये जवाब सुनने के लिए बस बैठा रहा. जो ही इसने जवाब ख़त्म किया वो उठा, अपना सर ऊंचा किया और वहाँ से चलने लगा. ऐसे दिखाता है उसको जैसे मैंने झूठ नहीं बोला, अब आपको यकीन नहीं है तो मत मानिए लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला, वो चल दिया वहाँ से. इट वॉज अ पिटी म्यूज इट गॉड्स बाय द गोइंग आउट टू गेट वन इज ओन सोप वॉज द वन कन्विंसिंग टच इन द होल स्टोरी एंड येट इट वॉज जस्ट दैट लिटल डिटेल दैट ब्रॉट हिम टू ग्रीफ. इफ ही हैड द ब्रिलियंट फोरथॉट टू प्रोवाइड himself with a cake of soap wrapped and sealed with all the solicitude of the chemist's encounter, he would have been a genius in his particular line. In his particular line, genius certainly consists of an infinite capacity for taking precautions. अब गॉड्सबाय वो आदमी चला गया, अब गॉड्सबाय खुद सोचता है, हमारी कहानी का मैन कैरेक्टर खुद सोचता है ये आदमी, इसके पास सिर्फ इसने जो कहानी बनाई थी वो ठीक थी लेकिन ये एक सबूत पेश नहीं कर सका कि साबुन कहाँ पे है. अब जो इसने केमिस्ट की दुकान से ली होगी साबुन, जो उसने दुकानदार से ली होगी साबुन या दवाई वाली से साबुन ली होगी, वो साबुन तो उसने किसी पॉकेट में दी होगी या किसी लिफाफे में किसी कागज़ में तो दी होगी. अब इसने वो पकड़ी होगी फिर रखी होगी चलो जेब में, मान लीजिए, लेकिन इतनी केयरलेस, ये तो कुछ उल्टा सीधा लग रहा है. इसको सिर्फ एक सबूत पेश करना था अपनी कहानी को साबित करने के लिए, वो भी नहीं कर पाया, मुझे तो कुछ गड़बड़ी दिखता है. विद अ रिफ्लेक्शन गॉड्सबाय रोज टू गो एज ही डिड सो एन एक्सक्लेमेशन ऑफ कंसर्न एस्केप्ड हिम. लाइंग ऑन द ग्राउंड बाय द साइड ऑफ द बेंच वाज अ स्मॉल ऑयल पॉकेट रैप्ड एंड सील्ड विद द सॉलिसिट्यूड ऑफ अ केमिस्ट्स काउंटर. It could be nothing else but a cake of soap, and it had evidently fallen out of the youth's overcoat pocket when he flung himself down on the seat. In another moment, Godspeed was scurrying along the dusk, shrouded path in anxious quest for a youthful figure in a light overcoat. He had nearly given up the search when he caught sight of the object of his pursuit standing irresolutely on the border of the carriage drive, evidently uncertain whether to strike across the park or make for the bustling pavements of Knightsbridge. He turned around sharply with an air of defensive hostility when he found Godspeed hailing him. Ab Godspeed wahan se utha, kahani iske lihaz se khatam ho gayi. Godspeed wahan se utha, jo ye utha aage chalne ke liye, achanak iski nazar एक खास चीज पे पड़ी. ये इसने वहां पे एक ओवल शेपर्ड कुछ चीज देखी, ओवल शेपर्ड यूजन गोल ओस मगर पूर गोल ओस नहीं कि ठोलिक पर थोड़ा ओवल शेपर्ड. इसने वहां पे एक चीज देखी, एक लिफाफे में बंधी हुई है जिसके ऊपर केमिस्ट यानी दुकानदार दवा वाले की एक मोहर लगी हुई है. उसने देखा कि ये क्या है, ये तो इतना तो बस, ये तो सिर्फ साबुन की टिकिया हो सकती है और कुछ नहीं है. अब ये सोचने लगा शायद जब वो जवान आया यहां पे बैठने के लिए उसके ओवर कोट से बैठते हुए गिरी हुई है साथ ही पत्थर भी में साथ चंद मजे पसी पे मुझे साबुन चेट. अब ये सोचने लगा वो तो झूठ नहीं बोलता था. इसने साबुन की टिकिया उठाई और ढूंढ रहा है कहाँ गया ये जवान, अब मुझे उसकी कहानी का यकीन करना चाहिए. और ढूंढते ढूंढते उसको पता नहीं कहाँ पहुँच गया, वो आगे बढ़ गया. जो ही आगे बढ़ गया वो देखता है उसको वो नहीं मिलता है. जब वो पार्क के साइड में पहुंचा तो वहां देखा कि वो रहा जिसको मैं ढूंढ रहा हूं. और वहां पे पहुंचा वो आदमी शायद अब रोड क्रॉस करने की सोच रहा था या सोच रहा था इधर ही बैठे रहो, वो कुछ अंदर से परेशान था. तो उसने अचानक एक नज़र पीछे मारी, पीछे मार के जब उसने देखा तो उसने देखा गॉड्स में उसके पीछे खड़ा है जो उसको आवाज़ दे रहा है.
The important witness to the genuineness of your story has turned upside gods by holding out the cake of soap. It must have slid out of your overcoat pocket when you sat down on the seat. I saw it on the ground after you left. You must excuse my disbelief, but appearances were really rather against you. And now, as I appealed to the testimony of the soap, I think I ought to abide by its verdict. If the loan of a sovereign is any good to you. आप गॉड्स पे इसको यहाँ से बोलता है रुकिए आप क्यों भागे जा रहे हैं रुकिए जो आपकी कहानी को साबित करने के लिए मुझे एक सबूत चाहिए था वो सबूत मिल गया वो साबुन की टिकिया मिल गई सो साबिन चेट लब में यूस तत्त रोमज वसी तो उसने आपस दिल बना के आई मस्ट कन्फेस कि मैंने गलती की है अब मैं सोचता हूँ मुझे आप पे भरोसा करना चाहिए था आई एम वेरी सॉरी दैट आई डिसबिलीव यू मैंने आप पे यकीन नहीं किया लेकिन अब मैं आपको आपकी कहानी पे यकीन करता हूँ और कहता हूँ बिल्कुल आपने सच कहा था आप शायद पता भी भूल गए और सोप भी आपका खो गया चलिए अब मैंने सोचा मैं आपके पीछे आऊँ और कुछ आपको दे दूँ जो आपको या कुछ पैसा भी आपको दे दूँ एज लोन यानी उधार के तौर पर उधार के तौर पे मैं आपको कुछ पैसा दे दूं जो फिर शायद आप मुझे वापस करेंगे जिससे आपका नाइट का खर्चा चलेगा तो अब मैं आपके पास आया हूँ द यंग मैन हेस्टली रिमूव्ड ऑल डाउट ऑन द सब्जेक्ट बाय पॉकेटिंग द कॉइन अब इसने जो पैसा यहाँ से दिया जवान ने लिया उसने ज़रा भी हिचकिचाया नहीं कुछ नहीं किया कोई शक नहीं किया साबुन मेरी है या नहीं है उसने वो पैसा लिया और अपनी जेब में रख दिया हियर इज माई कार्ड विद माई एड्रेस Continued Godspell, and any day this week will do returning the money. And here is the soap. Don't lose it again. It has been a good friend to you. अब Godspell ने जो उसको पैसे दिए, उसने जेब में रख दिए. वो जवान को बोला, ये लीजिए मेरा कार्ड. उनके पास कार्ड बना होता है, वो एड्रेस कार्ड होता है. ये लीजिए मेरा कार्ड. इस हफ्ते जिस भी दिन आप चाहो मुझे आ सकते हो मिलने के लिए मेरा पैसा वापस करने के लिए. और ये लीजिए साबुन की टिकिया. इसको खोना नहीं, ये आपका एक अच्छा दोस्त है. हाँ, lucky thing you are finding it, said the youth. And then, with a catch in his voice, he blurted out a word or two of thanks and fled headlong in the direction of Knightsbridge. ek do lafz is jawan ne bole shukriya ke taur pe ak zulafz wanas shukriya taur thankfulness ab isne yahan se shukriya kiya is aadmi ka aur kaha ki chaliye aapko ye sabun ki tikiya mil gayi mujhe thoda sa rahat isse mil gaya shukriya thoda sa kaha aur wahan se chal diya Knightsbridge ki taraf isne zyada wait wahan nahi kiya Poor boy, he as nearly as possible broke down, said Godspell to himself. I don't wonder either. The relief from his quandary must have been acute. It's a lesson to me not to be too clever in judging by circumstances. अब Godspell खुद से बोलता है, बेचारा फंसा था. अब मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मैं खुद को इतना चालाक समझता हूँ. आई थिंक माई सेल्फ टू क्लेवर. मैं खुद को इतना चालाक समझता हूँ और उसकी कहानी पे मैंने भरोसा नहीं किया. अब मुझे क्या करना चाहिए? आइंदा मैंने सोच लिया कि मैं लोगों को देखूंगा या मैं किसी हालत में किसी को देखूंगा तो उस हालत में उसको जज नहीं करूंगा. पहले सोचूंगा, समझूंगा, फिर देखूंगा इसकी हालत क्यों है. शायद ये सच बोल रहा हो. अब इसको ये बात जहन में आने लगी. As Godspell retraced his step past the seat where the little drama had taken place, he saw an elderly gentleman poking and peering beneath it and on all sides of it and recognized his earlier fellow occupant. जब Godspell वापस आया, जवान से मिलके जब ये वापस आए, ये वापस हुआ रहा इमेजिनरी दिन पहुंच पांच लोग सोच मेरे पास इन्हें इस पर इतना शक करूं कि मैं समझ पाऊं ज्यादा चला मगर ज़्यादा चालाक समझ पानस पानस के बाव यूथ यू और वापस आओ. अभी आ रहा है वापस और पहुंच गया अपनी उसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे छोटा सा ड्रामा हुआ था. यानी पहले वो एल्डरली आदमी का आना, फिर जवान का आना, फिर जवान की वो कहानी बताना, फिर Godspell का उस पर यकीन ना करना, आखिर में यकीन करना, साबुन की टिकट होना. उसी जगह पे वापस आ गया अपनी सीट लेने के लिए तो अचानक उसने देखा वहाँ पे एक एल्डरली आदमी है, एक फिर वैसा ही आदमी जैसा पहले था. वो आया हुआ है और कुछ ढूंढ रहा है, नीचे ऊपर दाएँ बाएँ सब जगह ढूंढ रहा है कुछ. उसने क्या कहा, हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर, ही आस्क्ड. Godspell ने उसको कहा, क्यों जनाब कुछ हो गया आपका? प्रसाद गॉडी किस नफर बुजुर्ग नफर आता दोस्त जमा रूम कुछ आदत किए. यस सर, केक ऑफ सोप. हाँ,
जब वहां से उस बुढ़े आदमी ने कहा हाँ आई हैव लॉस्ट ए केक ऑफ सोप, मेरा खो गया है, मेरी खो गई है साबुन की टिकिया, मैं सो रोज साबुन चूट, अंडरस्टैंड, मतलब द्राव साबुन चूट यम सज जवान साबुन चूट तेज गोडिकस नफर सजम हम बनो कहानी अचानक आव तक कहानी मज ट्विस्ट तेज मोन न गॉड्स बैंड कि साबुन चूट कत तोग नो प्रोड्यूस कर आमज तेम कहानी बनम फेक कहानी मगर अचानक पे गॉड्स बैसे नजर दोपस साबुन चूट है बिचार रोम एम तुज नियन जवान वापस बे दिनस पोस बे दिनस कार्ड एड्रेस हेत पगह इज मे वापस पोस हेत मगर वापस आव अत वो प्रोन नफर झाना सो साबुन अत तरह फिक्र कि अम सी सोच असल अमोस नमस पे बिलीव कर्मुत कहें मगर अचानक आव तम सकस मा फसला साबुन चूट अत साबुन चूट तम सी सह हमें गोडनिकस नफर स ओके